हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनी टेक टिप्स पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड, अपडेट होने के बाद आपको कुछ नया फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि आपका एटीएम कार्ड पिन जनरेशन, एटीएम कार्ड एक्टिवेशन, एटीएम कार्ड एक्टिव डीएक्टिवेशन, और साथ ही आप चेक बुक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको पहले वाला जो आपका जेआरजीबी का मोबाइल बैंकिंग ऐप था उसे अनइंस्टॉल कर देना है और नया प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद झारखंड राज्य मोबाइल बैंकिंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जैसे ही सर्च करें फ्रेंड, आपके सामने में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप आपके सामने में शो करेगा, तो उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको ओपन करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ओपन करते हैं ऐप को। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे आपको डालना है। उसके बाद फ्रेंड आपको अकाउंट नंबर डालना है जेआरजीबी का। उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद फ्रेंड टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा फ्रेंड, और ओटीपी आपको डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, ओटीपी डाल दिए हैं, और डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर सक्सेसफुल। उसके बाद फ्रेंड आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपका 6 डिजिट का एमपिन सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड आपका नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना है 91। फ्रेंड आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 और सिक्योरिटी क्वेश्चन 3 डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड आपका एम पिन टी पिन सेट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपको आपका एम पिन डालना है। तो जैसे ही देख पा रहे हैं फ्रेंड, लॉगिन हो चुका है, और आपके सामने में एक कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। तो फ्रेंड आपके सामने में आप देख पा रहे हैं, आपके सामने में फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हैं। आपको अगर चेक बुक रिक्वेस्ट करना है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एटीएम का पिन भी जनरेशन कर सकते हैं आप। जैसे फ्रेंड आप एटीएम कार्ड सर्विस देख पा रहे हैं, एटीएम कार्ड ब्लॉक, एटीएम पिन जनरेशन, एटीएम चैनल एंड लिमिट कंट्रोल, एटीएम कार्ड एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। तो फ्रेंड इन सब सर्विस को आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप पर अपडेट कर दिया गया है। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।